अनीश कुमार रिंकू सच दिखाने की जज्बा के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सच की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि समय के साथ आप तक हमारी खबरें पहुंच सके। आइए खबरों पर डालते हैं एक नज़र। नवादा जिले में संविदा पर बहाल ANM का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। नवादा जिले में संविदा पर बहाल ANM संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल ANM ने शुरू कर दी है, जहां दर्जनों ANM ने सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया। ANM को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण बच्चों को दिए जाने वाले टीकाकरण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं ANM के भरोसे पूरे बिहार में टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण अभियान चलाए जाते हैं। बता दें कि ANM का गुस्सा उस वक्त सातवें आसमान पर चला गया जब बिहार सरकार के द्वारा दुलगी फरमान जारी करते हुए FRS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का आदेश जारी किया गया, जिसका ANM खुलकर विरोध कर रही है। इसके साथ ही समान काम के लिए समान वेतन की मांग भी ANM के द्वारा की गई। अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर ANM के द्वारा सिविल सर्जन को लिखित आवेदन देकर सूचित किया गया है। ANM के द्वारा चिकित्सा पदाधिकारी को सौंपे गए आवेदन में कई आवश्यक मुद्दे उठाए गए हैं। दिए गए आवेदन में ANM ने कहा कि जो संविदा के आधार पर ANM के तहत ANM काम कर रही है उसका वेतन बहुत ही कम है। अब ANM को FRS पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा कर अटेंडेंस बनाने को कहा जा रहा है, जो सरासर गलत है। इस अवसर पर कुमारी रोहिणी, रीना कुमारी, दीप माला सिन्हा, नीलम कुमारी, सोनाली कुमारी, स्वीटी कुमारी, डैजी कुमारी, अन्नू देवी, सोनी कुमारी, उषा कुमारी, सुहानी सिन्हा सहित कई अन्य मौजूद थे।